पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संस्था उपवन और सज्जन भारती के संयोग तत्वाधान में रेलवे ऑफिसर क्लब मुरादाबाद में महिलाओं का आर्थिक उन्नयन और स्वास्थ्य विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता गोकुलदास महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यक्ष डॉक्टर अपर्णा जोशी ने की। उन्होंने कहा, हम महिलाओं को पुरुषों से अलग करके उनकी स्थिति पर विचार नहीं कर सकते। वे हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्रामीण अंचलों में महिला कृषि के कार्यों में पुरुषों के बराबर काम करती है। उनके काम को उतना ही जरूरी माना जाना चाहिए। बच्चियों को किशोरावस्था से ही स्वास्थ्य रक्षा की बातें बताई जानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उन्हें मातृत्व की जिम्मेदारी बहन करनी होती है। उनके मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि वे आर्थिक स्वास्थ्य लंबन की राह पर चल सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपम ने कहा कि महिला दिवस के मनाए जाने में पुरुष और महिलाओं में सामाजिक विभेद किए जाने की बात मेवानी है। व्यक्ति की अस्मिता की पहचान होनी जरूरी है। परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए परिवेश के सही होना जरूरी है, जिसके लिए संस्कार प्रेषित किए जाने की परम आवश्यकता है। केजीके कॉलेज में समाजशास्त्र के अध्यक्ष डॉक्टर गिरी पांडे ने बताया कि समाज में स्त्री पुरुष के बीच असमानता के चलते डर पैदा होता है, इसलिए इसे दूर करने के लिए पुरुषों की सहभागिता आवश्यक है। सज्जन भारती के महासचिव डॉक्टर डीपी सिंह ने समाज की प्रगति के लिए समाज के वातावरण को अच्छा बनाए जाने में महिलाओं का आह्वान किया और कहा कि वे अपने बच्चों को सही नेतृत्व चुनने के लिए सक्षम बनाएं। इस अवसर पर समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसमें श्वेता यादव को उद्यमिता कार्य क्षेत्र में, सरिता अग्रवाल को सामाजिक क्षेत्र में, डॉक्टर शशि त्यागी को साहित्य क्षेत्र में, रेणु सक्सेना को सामाजिक क्षेत्र में, निर्मल अग्रवाल को योग एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में, कुमारी कशित चौहान को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शशि त्यागी, डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने काव्य पाठ किया। संयोजक विजय शर्मा, एस के पुठिया, उमेश कुमार व्यास, दिनेश आदि ने किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज रेलवे मुरादाबाद मंडल द्वारा मुरादाबाद और अन्य स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों के साथ मनाया गया है। इस उपलक्ष्य पर आज रेल मुरादाबाद स्टेशन से एक ट्रेन को सभी महिला रेल कर्मचारियों के साथ चलाया गया, जिसमें कि महिला चालक, सहचालक, उसके गार्ड, सिक्योरिटी का स्टाफ और जितना भी कॉमर्शियल का स्टाफ है, ऑपरेटिंग का स्टाफ है, सभी महिलाएं उस ट्रेन को अभी चला रही हैं जो कि हरिद्वार जा रही है। साथ ही मंडल स्तर पर आज रेल कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम किया गया, जिसमें उन्हें इस दिवस की उपयोगिता के बारे में और कार्य क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के बारे में बताया गया, और जो सरकारी तौर पर जिसके वो भागीदार हैं उनके बारे में बताया गया। इसमें जैसे कि हमारे रेलवे परिसर में उनके लिए महिला चेंज रूम है, महिला शौचालय अलग से हैं, महिलाओं के लिए जो कार्यस्थल हैं वहाँ पर CCTV और जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कदम उठाए जा रहे हैं और जो समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं उनके विषय